नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं कैसे प्रोडक्ट की जो आपको जीवन बीमा की सुरक्षा के साथ साथ निवेश का फायदा भी देता है। बात करें यूलिप की, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये यूलिप्स के फायदे क्या होते हैं, आपको क्या वाकई यूलिप प्लान लेने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में यूलिप कैसे कारगर साबित होता है, टैक्स बेनिफिट्स इसके क्या है, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ जो आज गेस्ट शामिल है उनका परिचय करा देते हैं। अभिनव अंगिरीश सीईओ हैं investonline.in के। अभिनव, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम मनी गुरु में। बातचीत आपसे शुरू करें उससे पहले हम आज दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे, मदद करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं अपना, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। आसान तरीका है हमें कॉल करने का या फिर हमसे संपर्क करने का, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582226। यहाँ पर आप अपना सवाल भेजिए, या फिर @ZBusiness हमारा ट्विटर हैंडल है और @ZBusinessOnline हमारा फेसबुक पेज पर है, आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी moneyguru@zmedia.slgroup.com पर आप अपने पूरे नाम साथ ही साथ अपने फोन नंबर के साथ अपना पूरा सवाल भेजिए, हम अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। आइए अब शुरू करते हैं आज की चर्चा, और इंश्योरेंस और साथ ही साथ वेल्थ क्रिएशन का डबल बेनिफिट यूलिप की हम बात करने वाले हैं। अभिनव, हमेशा से जब भी निवेश करने की चर्चा होती है या ऐसे किसी निवेश प्रोडक्ट की बात होती है जिसमें एक तो वेल्थ क्रिएशन का फायदा हो ही लेकिन साथ में आपको इंश्योरेंस का फायदा भी मिले, तो यूलिप का जिक्र हमेशा होता है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ यूलिप में निवेश क्यों। ओके, शुक्रिया स्वाति मुझे आज शो पे बुलाने के लिए। स्वाति, यूलिप जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, जैसा इसका नाम दिया गया है, ये बेसिकली एक इंश्योरेंस प्लान ऑप्शन है जिसपे आपको निवेश का भी ऑप्शन मिलता है। मैं सबसे पहले ये दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि इंश्योरेंस का डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो बोलते हैं कवर ऑफ रिस्क। ये एक एडेड बेनिफिट है अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं कि आपको इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिलता है, ना कि प्लेन वेनिला इन्वेस्टमेंट्स, बट आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट्स या अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, और उसमें आप अपना एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान आप प्रीमियम भर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ यूलिप इन्वेस्टमेंट जो एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से भी आपको मिलते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो प्रीमियम अदा करते हैं इस पे आपको ATC के तहत 1,50,000 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। तो टिपिकली इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो पे किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि आपको टैक्स बेनिफिट हो। हालांकि अगर आप इसे एक प्योर इन्वेस्टमेंट तरीके से भी देखें तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कर रहे हैं कि यूलिप जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या है उसके फायदे, और आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसा कोई प्लान क्यों शामिल करना चाहिए, और जैसा कि अभिनव ने बताया कि इसमें ATC के तहत प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जिससे पहले हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं उनसे मैं बातचीत करूं, मैं आपसे समझना चाहती हूं, ये एक नया प्रोविजन आया था यूलिप में कि 2.5 लाख तक के प्रीमियम पर कोई टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन हाँ 2.5 लाख का प्रीमियम से ऊपर अगर चला जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है, इस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी आपकी तरफ से अभिनव। स्वाति देखिए, 2021 के बजट में ये अनाउंस किया गया था कि बेसिकली टैक्स बेनिफिट जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्लान्स हैं इसके तहत ये इसको विड्रॉ किया जाएगा। हालांकि जनवरी 2022 में इस पर क्लैरिटी भी आई है कि जो आपके अप्रैल 21 के पहले के इन्वेस्टमेंट्स है जो इनकी मेच्योरिटी अगर आगे चल के आएगी तो दे विल कंटिन्यू टू बी टैक्स फ्री। हैविंग सेड दैट, अगर आपकी प्रीमियम अमाउंट अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो बेसिकली आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो आपके रिटर्न्स पर से इसमें अब आगे चल के टैक्स फ्री नहीं होंगे कंपैरेटिवली, तो ये आपको टैक्सेबल होगा। देखिए ब्रॉडली अगर आप देखें जो प्रीमियम्स भरे जाते हैं, 2.5 लाख रुपए साल का प्रीमियम भरना और इसके साथ कंसिस्टेंसी से प्रीमियम भरना काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है कमिट करने के लिए।
बट ब्रॉड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अप टू 1.5 लाख तक का प्रीमियम भी का जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू यही यूलिप प्लान में भी. हैविंग सेड दैट, यूलिप्स में टिपिकली अगर आप उसको ELSS या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से भी कंपेयर करें जो एक बहुत ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लॉक इन 5 years तक का है यूलिप कंपेयर टू ELSS ऑफ 3 years. तो ये एक काइंड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स में कौन की तरफ माना जाता है. दूसरा देखिए, फंड ऑप्शन जो आप चूज करते हैं यूलिप्स में, आप इसको एक एकदम स्टैंडर्ड वे से जैसे आप म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करते हैं आप इसको नहीं कर सकते हैं. हालांकि आपको फंड ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इक्विटी फंड्स में करें, डेट फंड्स में करें, हाइब्रिड या बैलेंस जिसे हम कहते हैं आप उसमें इन्वेस्ट करें, ऑप्शंस हैं. बट कंपैरेटिवली यूलिप बीइंग एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट थोड़ी सेफ्टी एंगल ज्यादा होती है, इसलिए ब्रॉडली इसमें थोड़े लार्ज कैप्स और ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा होते हैं, इसलिए रिटर्न्स आर नॉट कंपेरेबल टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल. आइडियली हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करें. आप इंश्योरेंस अगर म्यूचुअल फंड्स में करें और सॉरी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में करें और इंश्योरेंस के लिए अगर आप टर्म प्लान्स या रेगुलर रिस्क कवर्स ही लें तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई इन्वेस्टर्स यूलिप स्कीम्स की NAV के बेसिस पे उसके रिटर्न्स कंपेयर करते हैं, ये एक्चुअली काफ़ी गलत होता है. बिकॉज NAV यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके जितने चार्जेस होते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रीमियम पे होने के बाद सेपरेटली डिडक्ट करती है. कई चार्जेस होते हैं एक्चुअली यूलिप और इंश्योरेंस कंपनीज में, जैसे मोर्टैलिटी चार्जेस हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन है, फंड स्विचिंग है, पार्शियल विड्रॉल है, ऐसे कई सारे चार्जेस आते हैं जो 6 से 10 या उससे ज्यादा परसेंट तक भी आपको ऐड कर सकते हैं. तो ये सब आपको देख के प्लान करना चाहिए कि आपको यूलिप में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना. बिल्कुल, यूलिप पर बीच बीच में चर्चा हम करते रहेंगे. अभी कुछ दर्शकों से भी बातचीत करते हैं और मदद करते हैं उनकी पोर्टफोलियो प्लानिंग में. और पहले दर्शक हमारे साथ हैं बर्दवान पश्चिम बंगाल से, मुश्ताक रहमान मलिक साहब. मुश्ताक जी बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में. आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ अपना सवाल पूछना हमसे चाह रहे थे. नमस्कार. और आपका सवाल क्या है जरा बताएंगे. आप कह रहे थे कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ रकम है जो आप कहीं पर वो निवेश करना चाहते हैं और कुछ SIPs के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं. एक लमसम अमाउंट 4 to 5 lakhs, तो उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टमेंट में बताइए. और SIP 2000 ईच, तो 3 SIP 6000 रुपीज, ये मतलब 5% चाहिए. मुश्ताक जी, जिससे पहले मैं अभिनव से आपके पोर्टफोलियो पर आए लूं, ऑलरेडी कहीं पर आपका निवेश चल रहा है क्या और पैसों की जरूरत आपको क्यों है ये भी आपसे जानना चाहते हैं. आपकी उम्र 43 साल है, कोई स्पेसिफिक गोल है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, ये तो रिटायरमेंट प्लान है, रिटायरमेंट प्लान के लिए कर रहे हैं. ओके ओके, तो रिटायरमेंट प्लानिंग है इनकी जिसको ध्यान में रखते हुए मुश्ताक साहब ये अपने पोर्टफोलियो पर सवाल पूछ रहे हैं. अभिनव बताइए, 5 से 7 साल के लिए कौन सा फंड इनके लिए सही रहेगा जो एक मुश्त 5 लाख की रकम इनके बैंक खाते में उसके लिए? जरूर स्वाति. स्वाति देखिए, मुश्ताक जी की उम्र अभी सिर्फ 43 साल ही है, तो रिटायरमेंट के लिए लगभग मेरे हिसाब से 15 से 17 साल उनके पास डेफिनेटली है. अब वो उसके लिए 5 से 7 साल ही क्यों प्लान कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाया, आज तक विस्तार में जब बात करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा. बट फिलहाल मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि जो इनका लमसम अमाउंट है ये उसे एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या जिसको शॉर्ट में STP भी कहते हैं उसका वो ऑप्शन चूज करें, जिससे इनकी जो फिक्स्ड अमाउंट है ये एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट की जाएगी और वहां से एक अमाउंट हर महीने SIP के ही तरह आपके डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में की जाएगी. मैं पहले तो दो स्कीम्स इनको इसमें सजेस्ट करना चाहूंगा. पहली स्कीम है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी है. दूसरी स्कीम है क्वांट एक्टिव फंड, जो एक मल्टी कैप स्ट्रेटजी है. अब ये फंड्स में ये डिफरेंस है कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर है जो फंड हाउस के, इस स्पेसिफिक फंड के फंड मैनेजर श्रेयास देवलकर साहब हैं. इसमें टिपिकली फंड मैनेजर को एक ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जिस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो लार्ज कैप है, मिड है, स्मॉल है, आप वो कॉल ले सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो क्वांट एक्टिव फंड है, जो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है,
इसमें टिपिकली आपको एक फिक्स पोर्शंस मिनिमम अमाउंट्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं फंड मैनेजर को, 25% लार्ज कैप्स, 25% मिड कैप्स, 25% स्मॉल कैप्स, और जो बैलेंस 25% है उसमें वो कॉल ले सकते हैं जो उनको सेक्टर या जो कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पसंद है। अब उनके 5 लाख रुपए की अगर फिगर है तो हर महीने अगर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करें 25,000 दोनों स्कीम्स में, तो ये 10 महीने में इनका पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आइडिया बीइंग कि आप अगले 10 महीने तक एवरेज कर लें, बिकॉज यू नो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कम से कम एब्जॉर्ब हो जाएगी इनके पोर्टफोलियो में, तो उस हिसाब से इनको एक एवरेजिंग का इनको फायदा होगा। सेकेंडली जो इनकी SIP इन्वेस्टमेंट्स है, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि वो तीन लेवल्स में इसको स्प्लिट करें, तीन कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है कैन रेबेको का ब्लू चिप फंड जो एक लार्ज कैप स्कीम है। सेकेंड मिड कैप में इनको SBI मैग्नम मिड कैप में रिकमेंड करूंगा, और स्मॉल कैप कैटेगरी में कोटक स्मॉल कैप। इन तीनों को भी ये अलग अलग डेट्स पे हर महीने इन्वेस्ट करें, जैसे 1 तारीख, 10 तारीख या 20 तारीख एंड सो ऑन, जिससे आपको एवरेज इनका और भी फायदा हो पोर्टफोलियो में। स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप SIP कर रहे हैं तो इसे आप 5-7 साल से ज्यादा की तरफ आप फोकस करें, बिकॉज जब आप SIP करते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल का है, आपको एवरेज होल्डिंग सिर्फ 2.5 साल की ही होती है। इक्विटीज में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, आप कम से कम एक एवरेज 5-10 साल का मिनिमम फोकस लेके चलें। और अगर ये रिटायरमेंट की तरफ अगर इनका फोकस है और यही इनका गोल है, तो 17 साल का इनके पास पीरियड है, अगर ये कंटिन्यूसली उसी में इन्वेस्ट करें तो इनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, तो मुश्ताक साहब होपफुली आपको राय मिल गई अपने पोर्टफोलियो पर, जो रिकमेंडेशंस दी हैं हमारे आज के गेस्ट ने उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। एक और दर्शक से बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ वेनु मोहन राव जी हैं, तेलंगाना से हमारे साथ शो में शामिल हैं। वेनु जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप SBI मल्टी कैप में निवेश कर चुके हैं, उसके न्यू फंड ऑफर के टाइम पर आपने 3 लाख का इसमें निवेश किया, और एक और सेक्टोरल फंड के बारे में आप हमारे आज के एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में बताएंगे कहां कहां निवेश है आपका? वेनु जी सुन पा रहे हैं हमें? ओके, वेनु जी हमारे साथ लाइन पर जरूर हैं, उनका सवाल भी है हमारे पास। अभिनव, SBI मल्टी कैप NFO में 3 लाख रुपए का निवेश वेनु जी ने किया, और सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका कुल निवेश 4 लाख रुपए का, जिसमें वो SIP बेसिकली करते हैं 6,000 रुपए प्रति महीना। अब वो दोनों ही फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कंटिन्यू इन्हें रखना चाहिए कि नहीं। स्वाति देखिए, SBI मल्टी कैप एक बहुत ही न्यू फंड है, ये फंड के ऊपर कमेंट करना मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि फंड मैनेजर भी नए हैं जो रमा अय्यर श्रीनिवासन साहब हैं। लेकिन SBI फंड हाउस एक काफ़ी ही उमदा फंड हाउस है, इसकी काफ़ी बहुत सारी स्कीम्स इक्विटी स्कीम ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। इस स्कीम पे अभी करंटली इन्वेस्ट करना या NFO पे के बेसिस पे ये स्कीम क्या रिटर्न्स दे सकती है या क्या किया है, हमारे पास कुछ रिसर्च नहीं है। हैविंग सेड दैट, इतना नया फंड है कि मार्च 31st तक इनका सिर्फ 35% ही इक्विटीज में इन्वेस्ट हुआ है, 60-65% अभी भी कैश में ही है जो अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है। वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है कि इनको टाइम मिल रहा है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर बाजार में इतनी वॉलिटिलिटी है तो फंड मैनेजर का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर वो इसमें और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा रुकें, थोड़ा ये फंड को देखें परखें कि कुछ क्वार्टर्स तक ये फंड कैसा परफॉर्म करता है, फिर एक कॉल लें। जहां तक कि सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड है, देखिए ये एक सेक्टोरल फंड है, यानी ये एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है। इसमें ये फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ड फंड है, तो ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs इसी में ही इन्वेस्ट करेगा। आइडियली अगर आपका पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हैं और इनके अगर SIP एक ही सेक्टोरल फंड में चल रही है, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग और गलत स्ट्रैटेजी है। आपको स्प्लिट करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड में, क्योंकि आपके सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स 5-8% से ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कम से कम डाइवर्सिफिकेशन फंड है जिसमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और हर अलग सेक्टर में भी होगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि फंड अपने एक्सपोजर को डाइवर्सिफाई करें तो इनके पोर्टफोलियो को आगे चल के काफी फायदा होगा।
बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल हमारे पास आ रहा है, इनफैक्ट हमारे पास फोन लाइन पर मौजूद हैं उदयपुर राजस्थान से राजेश दिवाते जी। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका। आप रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, जरा बताएंगे क्या अब तक आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है? जी जी राजेश जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, फोन पे बात कीजिए। हेलो राजेश जी, सभी जी नमस्कार। हेलो, कहिए सर, सवाल पूछिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पूछिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, एकदम क्लियर, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा ये पूछना था कि रिटायरमेंट के बाद में, मतलब रिटायरमेंट के लिए मेरे जो पार्सल का जॉब अभी पक्की है, तो उस केस में मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, मतलब एक लमसम अमाउंट 50,000 पर मंथ ऐसा मिल सकता है? बेसिकली एक रेगुलर आय के लिए आफ्टर रिटायरमेंट आप निवेश करना चाहते हैं? ओके ठीक है। अभिनव, एक रेगुलर इनकम हम मान सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक मेजर कंसर्न रेगुलर इनकम का ही होता है। 53 साल है, लगभग 5 से 7 साल इनके पास बाकी हैं अभी। लगभग इन्होंने जो सवाल भेजा है, 50 से 60 हजार रुपए चाहते हैं कि इनको हर मंथ लमसम अमाउंट मिले। क्या स्ट्रैटेजी रखें आफ्टर 60? स्वाति देखिए, काफी कम इन्फॉर्मेशन है एक रिटायरमेंट के लिए सजेस्ट करने के लिए, पर जो मैं समझ सकता हूँ इनके सवाल से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं नहीं जानता इनके पास और क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी क्या है, डेट है, पर मैं आपको दोनों ऑप्शंस रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर 7 साल तक का एवरेज पीरियड है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 60 पे रिटायर होंगे, अगर ये लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनको एक फिक्स अमाउंट से 50,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर पाए 20 साल के पीरियड तक, तो लगभग इन्हें 30-31 लाख रुपए का एक फिक्स इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा। और अगर ये चाहते हैं कि ये अगर SIP करें, तो इन्हें करीबन 45 से 50 हजार रुपए हर महीने फिलहाल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद 7 साल के बाद ये फंड्स को सिस्टमैटिक विड्रॉल के तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं, जिसका मतलब है हर महीने जिस तरह आप STP SIP करके आप इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आप को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। पर देखिए, इनका रिस्क प्रोफाइल मुझे पता नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि इनको 50,000 रुपए का रिटर्न आए अपने इन्वेस्टमेंट से, और ये प्रिंसिपल के बारे में बहुत सेफ रहना चाहते हैं और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, तो इनको एक डेट स्ट्रेटजी ही करनी पड़ेगी। डेट में फिलहाल 4.5 से 5.5% का एक एवरेज रिटर्न है, जिसमें भी सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो। अगर इनकी साल की रिक्वायरमेंट करीबन 6 लाख रुपए की है, तो इन्हें लगभग 1.25 करोड़ से 1.30 करोड़ तक का एक एवरेज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आज के टाइम पे। ओके, ऑल राइट राजेश जी, होपफुली आपने अपने सवाल पर जवाब जान लिया अभिनव जी का, कि आपको किस तरीके की रिटायरमेंट के बाद स्ट्रैटेजी रखनी है। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से बात करेंगे, पर एक छोटी सी अपील ये है दर्शकों से, जब आप फोन पर बात करें टेलीविजन वॉल्यूम को कम रखें, उसके बाद आराम से अपना सवाल पूछें। मनी गुरु में हम दे रहे हैं दर्शकों के फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवालों के जवाब। हमारे साथ है आज अभिनव अंगिरीश। आइए अब एक और दर्शक से बात करते हैं, नैनीताल से हमारे साथ राजेंद्र रावत हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। आप 15 साल में 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, जान सकते हैं क्यों? नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि मतलब जो है वेल्थ क्रिएशन के लिए पर्पस से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। तो टारगेट जो है 3 करोड़ का ही नहीं है, टारगेट ये है कि जितना हो, मतलब जितना मैक्सिमम हो, और जितना ज्यादा टाइम और जितना ज्यादा मैं अभी इन्वेस्टेड रह सकूं मार्केट में, वो मेरा टारगेट है। तो वो मैंने एक थोड़ा सा लमसम रखा है कि 2 से 3 करोड़ का मेरा मतलब जो है टारगेट पूरा हो जाए, तो उसके लिए मैं अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है मैंने। तो मेरी मतलब मंथली जो SIP चल रही है, SIP तो 20-23 हजार की है, लेकिन उसमें 10 हजार जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो मैं 10 हजार का लमसम जो है हर महीने टारगेट करके चल रहा हूँ। ओके, आपका पोर्टफोलियो हमने देखा है, आपने कहा वेल्थ क्रिएशन, आपकी उम्र 33 साल है राजेंद्र,
कोई वेल्थ क्रिएशन के अलावा कोई और गोल नहीं, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग हो या फिर उसके अलावा कुछ और शौक पूरे करने हो? जी जी, मेरा एक्चुअली वो है कि वेल्थ क्रिएशन होगी तो वो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, कि अगर वेल्थ मतलब अब रिटायरमेंट में पैसा हो या बच्चों की पढ़ाई शादी जो भी हो, मतलब एक बार पैसा क्रिएट हो जाएगा तो वो तो हर चीज में फिर वो काम ही आएगा, मतलब तो बेसिक ये था कि कोई पर्टिकुलर काम आ सकता है। ठीक है, हाँ परफेक्ट। अभिनव बताइए इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में आपका क्या मानना है? अधी जी काफी फोकस्ड और काफी वेल इन्फॉर्म्ड हैं रावत साहब, अच्छा लगा सुन के। इनका जवाब भी काफी अच्छा था कि वेल्थ क्रिएशन हो गई तो सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे, करेक्ट फोकस है। और मैं काफी हैप्पी हूँ देख के कि 35 साल की उम्र में इन्होंने प्लान कर लिया है कि इनको वेल्थ क्रिएट कैसे करनी है और कितनी अमाउंट की जरूरत है। मैं इसमें एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि अगर आप जो आपने 15 साल या 20 साल बाद जो आप प्लान कर रहे हैं 2 करोड़ या 3 करोड़ जो भी आपका फिगर है, जो आपको लग रहा है कि आज के हिसाब से काफी है, आप इसमें इन्फ्लेशन प्लीज अकाउंट करें। क्योंकि अगर आपका टारगेट फॉर एग्जांपल जैसे राजेंद्र जी का है 2 करोड़ होने चाहिए 15 साल में, 15 साल के बाद 7% का अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन भी काउंट करूँ इंडिया में, जो आज 2 करोड़ की वैल्यू है उस समय सिर्फ 80 से 90 लाख रुपए की ही होगी। तो उसके हिसाब से आप अपने गोल्स बनाएं। आगे बढ़ते हुए इनका जो सवाल है, देखिए एक अगर आपको 2 करोड़ रुपए अचीव करने हैं, अगर 15 साल का टारगेट है, अगर मैं एक एवरेज रिटर्न अज्यूम करूं 12% के आसपास, जो एक काफी लो और पॉसिबल रिटर्न है इक्विटीज में, तो उन्हें लगभग 45-46 हजार रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैं समझ सकता हूं कि अभी वो 23 हजार रुपए कर रहे हैं, तो इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपको अमाउंट डबल करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आगे बढ़ते हुए एवरेज के हिसाब से भी आप अपने अमाउंट बढ़ा सकते हैं जब भी पॉसिबल हो, पर एक एवरेज इन्वेस्टमेंट 45-46 हजार की चाहिए कंफर्टेबली यह गोल रीच करने के लिए। जो 6 स्कीम्स हैं, एक एक्सिस स्मॉल कैप, कैन रिवेको स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इनका जो पोर्टफोलियो है ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। जो 6 स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस पोर्टफोलियो में कुछ भी बदलाव करने के लिए, सिर्फ ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इनको ये इंश्योर करें कि अलग अलग डेट्स पे ही इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे मैंने इससे पहले वाले दर्शक व्यूअर को भी मैंने सजेस्ट किया था। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप 12% के हिसाब से ही एवरेजेस दें, आप ना कि पास रिटर्न्स के बेसिस पे। कोई सी फंड ने अगर आपको 25% 30% का एवरेज रिटर्न्स दिया है, जो फिलहाल पिछले 2 साल में रिटर्न्स दिए हैं फंड्स में, उसको आप उसके हिसाब से आप अपना प्लान नहीं बना, सो दैट यू ऑलवेज बैलेंस कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है। ओके, तो राजेंद्र जी होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिला। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाने की जरूरत है, इसका जरूर ख्याल रखिएगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने एसआईपी को भी स्टेप अप करते रहिए। ओके, नैनीताल से एक और दर्शक का सवाल है हमारे पास। अभिनव, अमर सिंह कन्वर जी पूछ रहे हैं, हाँ जी, क्या फायदेमंद है ग्रोथ ऑप्शन या फिर डिविडेंड ऑप्शन? ये कह रहे हैं कि 10 लाख का अगर ये निवेश करते हैं एक मुश्त, वो ज्यादा पैसे बनाएगा 10 साल के बाद, या फिर उसी इन्वेस्टमेंट की डिविडेंड को अगर ये एसआईपी करें तो वहां से ज्यादा ग्रोथ मिलेगी पैसों की? स्वाति, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। ये इसलिए है क्योंकि काफी चेंजेस आए हैं जिस तरह डिविडेंड को ट्रीट किया जाता है, राइट। एक ऑप्शन है डिविडेंड में कि आपको डिविडेंड पे आउट आ जाएगा और आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी आप कर सकते हैं कि आप डिविडेंड ट्रांसफर प्लान चूज कर सकते हैं, जो आई थिंक कवर साहब सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपको डिविडेंड आएगा वो एक एसआईपी के जरिए एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन, जो ऑटोमेटिकली जो आपके डिविडेंड डिक्लेयर हो रहे हैं वो आपको री इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब देखिए, पहले डिविडेंड्स पे टैक्स नहीं था, डिविडेंड्स पर फ्री ऑफ टैक्सेस इवन फॉर रिसीवर एंड इवन फॉर एएमसी को पे आउट करने के लिए। बट फिलहाल डिविडेंड्स के पे जब डिविडेंड पे आउट होता है या री इन्वेस्ट होता है तो 5,000 रुपये से ज़्यादा का अगर डिविडेंड होता है तो आपका उस पर TDS भी लागू है। इसका मतलब है कि आपके लिए जो डिविडेंड इनकम है वो 1 लाख रुपये के ऊपर अब आपके लिए टैक्सेबल भी है। तो जो भी डिविडेंड इनकम आपको आएगी या आपकी री इन्वेस्ट होगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम से ऐड होगी। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको एक री इन्वेस्टमेंट टूल की तरह ना माने, इससे अच्छा आप ग्रोथ ऑप्शन लें जिसमें आपकी NAV कंटिन्यूसली पोर्टफोलियो में ग्रो होती रहती है, और जब आप एग्जिट करते हैं उस समय आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन्स उसके हिसाब से आपको पे करना होता है।
सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें यह भी समझना कि आप इक्विटी स्कीम्स में हैं कि आप डेट स्कीम्स में हैं, बिकॉज दोनों में टैक्सेशन भी अलग अलग है। और आपका प्योर क्वेश्चन है कि मैं अगर डिविडेंड रीइन्वेस्ट या पे आउट लूँ उसके या मैं ग्रोथ लूँ और किसका बेटर रिटर्न्स होगा, तो आप प्लीज ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करें, क्योंकि टैक्सेशन आपको काफी काफी गहरी चोट दे सकती है, क्योंकि आपकी इनकम के बेसिस पे ही वो टैक्स की जाएगी। बिल्कुल। तो अमर जी, होपफुली आप सुन रहे हैं हमें और आपको डिविडेंड या फिर ग्रोथ ऑप्शन चूज करना चाहिए, उसको लेकर क्लियर कट आंसर मिल गया होगा। बहुत धन्यवाद करेंगे अभिनव आपका, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए और दर्शकों के सवाल के जवाब दिए, यूलिप के बारे में खास जानकारी हमारे निवेशकों को दी। इस शो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताएं, सवाल अपना पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, तो जरूर हमें लिखिए। और लिखने का जो तरीका है वो हम भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप व्हाट्सएप पर, साथ ही फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, या फिर ईमेल moneyguru@zmedia.slgroup.com पर अपना सवाल अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ जरूर भेजें।